दोस्तों IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का 2022 में 15वां एडिशन खेला जाने वाला है। इसके लिए टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया गया है और इसका पहला मैच 26 मार्च 2022 को खेला जाएगा और इसका फाइनल 29 मई 2022 को खेला जाएगा। सीजन कुल 70 मुकाबले खेले जाने वाले हैं और वो सभी 70 मुकाबले आपको मुंबई और पुणे के स्टेडियम में दिखाई देंगे। IPL 2022 में 10 टीमें हैं और इन 10 टीमों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और बी में आपको 5-5 टीमें दिखाई देंगी। ग्रुप ए में MI, KKR, राजस्थान, दिल्ली और लखनऊ टीम है। इसके बाद ग्रुप बी में CSK, हैदराबाद, RCB, पंजाब और गुजरात। सभी 10 टीमों को कुल 14 लीग मुकाबले खेलने को मिलेंगे, जिसमें से 7 होम मैचेस होंगे और 7 अवे मैचेस। टोटल 70 लीग मुकाबले खेले जाने वाले हैं, जिसमें से 4 प्लेऑफ रहेंगे। सभी टीमों को 5 टीमों के साथ 2-2 मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा और 4 टीमों के साथ 1-1 मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा। में जो येल्लो कलर दिखाई दे रहा है, उन टीमों के साथ 2-2 मुकाबले खेलने को मौका मिलेगा। इसके अलावा जो ग्रीन कलर में है, उनके साथ 1-1 मुकाबले खेलने को मिलेंगे। 5 टीमों के साथ 2-2 मुकाबले और 4 टीमों के साथ 1-1 मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा। वेन्यू की बात की जाए तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 20 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में 15 मुकाबले होंगे और मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में 20 मैच खेले जाएंगे और बचे हुए 15 मैच पुणे के स्टेडियम में खेले जाने वाले हैं।